पिछले वीडियो में हमने नातेदारी की परिभाषा और अर्थ के बारे में अध्ययन किया। आज हम नातेदारी की विशेषताएं और नातेदारी के कुछ स्वरूप उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। नातेदारी की विशेषताओं में देखते हैं कि नातेदारी विवाह बंधन और रक्त संबंधों के आधार पर निर्मित होती है। नातेदारी के संबंध गहरे भी होते हैं, उथले भी होते हैं, पास के भी होते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, और कई बार नातेदार के संबंध कठोरता भी लिए होते हैं, कई बार मृदु भी होते हैं। इसमें सदियों के अंतर संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। नातेदारी में अत्यंत सार्वभौम और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित रहते हैं। विस्तार के आधार पर नातेदारी सीमित भी हो सकती है और विस्तृत भी हो सकती है। नातेदारी की व्यवस्था में व्यवहार के कुछ प्रतिमान होते हैं। इन प्रतिमानों के द्वारा ही व्यवहार निश्चित होते हैं या नियंत्रित और निर्देशित किए जाते हैं। नातेदारी की व्यवस्था में रक्त और विवाह संबंधों के अतिरिक्त कल्पित नातेदारी भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये मुख्य रूप से नातेदारी की विशेषताएं हैं। अब हम नातेदारी के स्वरूप देखते हैं। मॉर्गन के अनुसार नातेदारी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वर्णनात्मक नातेदारी व्यवस्था। इन्हें व्यक्तिगत या वर्णनात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं कहा जाता है। इन शब्दावलियों से यथार्थ संबंधों की सूचना मिलती है। जब कोई नातेदारी का सदस्य किसी शब्द से दूसरे को संबोधित करता हो और उसका आशय असली संबंध को व्यक्त करता हो तो वह वर्णनात्मक संज्ञा होगी। एक शब्द से अगर एक ही समान रक्त संबंध के बारे में ज्ञान होता हो तो उसे वर्णनात्मक नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। इस तरह की शब्दावलियाँ हम अपने परिवार में देख सकते हैं, जैसे माता पिता, सगा भाई, सगी बहन। ये शब्दावलियाँ ऐसी है जिनसे हमें एक विशेष व्यक्ति का बोध हो जाता है। दूसरे प्रकार की है वर्गीकृत या वर्ग सूचक नातेदारी व्यवस्था। मॉर्गन के अनुसार जब एक शब्द के आधार पर कई प्रकार के संबंधों का बोध होता है तो उसे मानव शास्त्र में वर्ग सूचक या वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। आदिकालीन समाज की व्यवस्थाओं में इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अमेरिका की कोमांचे जनजाति में वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। कोमांचे जनजाति में चाचा, मामा, पिता इत्यादि सभी पुरुषों को या पुरुष पात्रों को अप्पो शब्द के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक ही शब्द से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों का ज्ञान होता है। वर्तमान में हम देखते हैं अंकल जैसा वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रयोग होता है। सामान्य रूप से हम किसी के लिए भी अंकल शब्द का, जो अपने से थोड़े आयु में ज़्यादा है, प्रयोग करने लगे। अब देखते हैं आसाम की सीमा में रहने वाले नागा समाज में भी इस व्यवस्था, वर्गीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ के लोग नागा समाज में भौजाई, मौसी, चाची तथा अन्य स्त्रियों को अज शब्द के नाम से पुकारते हैं। एक शब्द में अनेक संबंधों की स्थापना करता है। अमेरिका में कौन सा शब्द था? अप्पू शब्द। आसाम में कौन सा शब्द है? अज शब्द। कुल की गोत्र में, इस गोत्र में दादा, नाना, ससुर, साला इत्यादि सभी के लिए हेप्पू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हेप्पू शब्द को भी एक वर्गीकृत नातेदारी की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत एक मान्यता दी गई है। भारतीय समाज में हम देखते हैं समधी शब्द का प्रयोग है, वो भी इस के अंतर्गत देखा जा सकता है, क्योंकि ससुराल वाले व्यक्ति एक दूसरे को समधी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस शब्द से एक वर्ग में आने वाले सभी लोगों के साथ सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। ये हमारी व्यवस्था को जोड़े रखने में भी सहायक है।